सभी विसर्जन प्रोसेशंस के साथ में पर्याप्त पुलिस बल लगा हुआ है और जहां जहां पे भी डिस्टरबेंस हुआ है वहां पे हमारे जो भी पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया है सभी जगह पे पुलिस द्वारा विस्तृत वीडियो रिकॉर्डिंग कराई गई है और जो उपद्रवी हैं उनकी पहचान कराई जा रही है और विसर्जन समाप्त होने के तत्काल बाद उनकी गिरफ्तारी भी आरंभ हो जाएगी। जो महाराजगंज में घटना हुई है जिसमें एक व्यक्ति को गोली मारी गई है उसमें 30 संदिग्ध व्यक्तियों को पुलिस द्वारा ऑलरेडी हिरासत में ले लिया गया है, उसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और जो मुख्य आरोपी है जो कि भाग गया उसकी भी लोकेशन ट्रेस हो गई है, उसको गिरफ्तार करने के लिए टीम्स को डिस्पैच कर दिया गया है।